रोज रोज का तमाशा बना लिया हमारे चांद पाशा। बाजार को भेजना भी मुश्किल हो गया अब तो। घर दामाद क्या बने, अपने आप को नवाब समझ रहे। वेलकम सनिल्ला। आ गए देखो, हिला लेते, कहा तो भी गायब हो जाते घंटों 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 घंटों। तुम लोग जहेज में गाड़ी देना था ना, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना, ना ऑटो का किराया देते ना ही बस का किराया। शिट, बेजार हो गया ये जिंदगी से। अच्छा, वो सौदे में से पैसे मार लेते से कौन बोलना? क्या मैं चोर दिख रहा हूँ सूरत से? मेरी सूरत पे मत जाओ, मैं शाही खानदान से हूँ, समझे? आई नो वेरी वेल। और ये टुट्टी फुट्टी इंग्लिश मेरे सामने नको झाड़ो। घर का पूरा काम जहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, कौन करेंगे? तुम्हारी बेटी की भोली सूरत और ये दिखावे की शान और शौकत के चक्कर में अंदर हो गया मैं। अब तो लोग भी अलग किस्म का शक्कर है मुझ पे। देखो मियाँ, घर दामाद बने तो ये सब सहना पड़ता। घर का काम करके कौन सा बड़ा तीर मार रहे बोल के तुम? गिनती के 4-5 लोग, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू देना, ये भी कोई काम है? अपने आप को खुशकिस्मत समझो मियाँ तुम। हाँ, क्या किस्मत है मेरी, घर दामाद होने से अच्छा छोटी मोटी नौकरी करके इज्जत की जिंदगी जी लेता। तुम्हारे को तो छेड़ना ही मुश्किल है। फिर शुरू होगा शायद ये रोगा। क्या हुआ बेगम? क्या होता, वही रोज के तमाशे। जान पाशा, परेशान नहीं होना, क्या हुआ बोलो? ये घर तुम्हारा है, ये घर का पूरा सामान तुम्हारा है, हा? और हम तुम्हारे हैं, और तुम इस घर के मल्टी टैलेंटेड दामाद हो। एक काम करो। हेलो, किस्मत खुल गई दिखता मेरी। हेलो, ऐश करो, ठीक है? हाँ बेगम। अब तो दिल खुश हुआ ना तुम्हारा? देखो जाओ, मुस्कान कब से की तुम्हारा इंतजार कर रही। और सुनो, ये 10 रुपए से दूध का छोटा पैकेट लेके आओ। क्या जिंदगी हो गई यारो मेरी। फिर ये मेरा वादा है आपसे, ये कचरा साफ करने की मशीन, मेरे बोलने का मतलब ये वैक्यूम क्लीनर की मशीन का सेल, इसका बिजनेस मैं बढ़ाऊंगा सर। प्यार हो गया ना तुमको उससे? मैं भी तो उसे कब से देख रहा था, फिर मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम छोटे हो अभी। तो क्या हुआ, मैं भी तो एक लड़का हूँ। एक बात पूछूं अंकल आपसे, अगर आपकी शादी उससे हुई तो मुझे बुलाओगे ना? क्यों नहीं, आपसे तो मुझे बहुत सीखना है।